जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली वैकेंसी वर्तमान समय में प्रचलित है उसके रिजल्ट डेट के बारे में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि सभी जो टीचर हैं यूट्यूब पर वो सब अपनी अपनी अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं और एग्जामपुर की कट ऑफ अब भी काफ़ी हाई है। और इसके साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके फिजिकल कब से शुरू होने की संभावना है। और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो क्लास में ये भी बताऊंगा कि हमारी पुलिस लाइन में आपके फिजिकल को लेकर क्या तैयारी चल रही है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। आपके एग्जाम रिजल्ट से संबंधित न्यूज आज के न्यूज़पेपर में भी आई है, तो चलिए पहले मैं आपको वो न्यूज पढ़कर ही सुना देता हूँ। सिपाही भर्ती, सवारे जा रहे मैदान, दुरुस्त हो रहे उपकरण। नवम्बर के तीसरे सप्ताह में जारी हो सकती है लिखित परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट। लखनऊ, सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नवंबर के तीसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा की कट ऑफ सूची जारी करने जा रहा है। इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से परीक्षा में सेंधमारी रोकने का इंतजाम किया गया है। अफसरों के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए जिलों की पुलिस लाइन के मैदानों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि दिसंबर में दौड़ की परीक्षा कराई जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बार डिजिटल उपकरणों की भी मदद दी जाएगी। सेंधमारी को रोकने के बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं ताकि किसी दूसरे के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा ना दे सके। इसके लिए लिखित परीक्षा की तरह आधार कार्ड का प्रमाणीकरण कराने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही AI की मदद से भी अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में सभी कमिश्नर व जिलों के पुलिस कप्तानों को आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया है। बोर्ड की ओर से इस संबंध में जल्द ही अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। दोस्तों इस न्यूज से ये तो क्लियर है कि नवंबर के थर्ड वीक में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के जो फिजिकल होना है, फिजिकल की तैयारी इस समय जोर शोर से चल रही है। हमारे यहाँ पुलिस लाइन का ग्राउंड बहुत बेकार था अभी 8 से 10 दिन पहले, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसमें कई बार ट्रैक्टर और रोटावेटर, पटेला वगैरह, मतलब बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज किए हैं, और मैदान इस समय बिल्कुल ठीक हो गया है। अब तक मैदान बहुत उबड़ खाबड़ था, बरसात में काफी सारे गड्ढे थे मैदान में, तो जो परेड वगैरह हो रही थी वो सड़क पर ही हो रही थी। मैदान के चारों तरफ सड़क है, उस पर ही परेड वगैरह होती थी, लेकिन अब मैदान बिल्कुल ठीक हो चुका है। अभी परसों रोड रोलर भी ग्राउंड पर चलवाया गया था ताकि वहां की जो मिट्टी है, रोटावेटर और हैरो वगैरह से पहले जुताई हुई, फिर रोटावेटर चला तो वो थोड़ा उभरी उभरी मिट्टी हो रही थी, फिर रोड रोलर चलने के बाद वो मिट्टी बैठ गई अपनी जगह पर ताकि वो मजबूत हो जाए, रनिंग वगैरह में कोई दिक्कत अभ्यर्थियों को ना हो। तो अब ग्राउंड पूरे तरीके से तैयार हमारे यहाँ का हो चुका है। तो इसी तरह से जो अलग अलग पुलिस लाइन है वहाँ के ग्राउंड अब लगभग सही हो चुके होंगे, और दिसंबर में आप लोगों की फिजिकल की तैयारी 100% है। तो इसलिए आप लोग रेडी रहो फिजिकल के लिए भी, और आपका रिजल्ट जो आएगा उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मार्क्स कम होंगे तो वो डर भी रहे होंगे कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा आगे हमारी ज़िंदगी में, मतलब हमें क्या करना है, फ्यूचर से रिलेटेड उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहो। जिसका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तो उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिसका एग्ज़ाम क्रैक ना हो तो वो भी हिम्मत ना हारें, अपनी अगली वैकेंसी की तैयारी करें जो 40,000 आने वाली है उसकी, या फिर जो और वैकेंसियाँ हैं रेलवे वगैरह की उनकी तैयारी करें। अगर इस एग्ज़ाम में आपका नहीं होता तो केवल ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं है आपकी ज़िंदगी का, और कोई भी रिजल्ट आपकी ज़िंदगी निर्धारित नहीं करता कि अगर आप इसमें फेल हो जाओगे तो आप ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि बहुत सारे छात्र रिजल्ट आने के बाद गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसा आप लोग सोचना भी मत। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। दोस्तों कट ऑफ आपकी बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि 3 गुना छात्र DVPST के लिए बुलाए जाएंगे, और 3 गुना का मतलब समझ रहे हो, 1,80,000 के समथिंग छात्र DVPST के लिए बुलाए जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा नंबर ये होने वाला है। तो जो मेरिट अब तक
लगी है ना यूपी पुलिस की, उससे भी कम मेरिट इस वैकेंसी में होने वाली है। क्योंकि पिछली बार 41,000 वैकेंसी थी, फिर उसके बाद 49,000 थी, लेकिन अब सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 60,244 पद हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। और उसके बाद भी फिर 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, मतलब अब तक यूपी पुलिस की वैकेंसी में 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना तो बुलाए गए हैं, लेकिन 3 गुना अभ्यर्थी जो लास्ट टाइम 2 या 3 वैकेंसी हुई है उनमें नहीं बुलाए गए। तो बहुत बड़ा नंबर होने वाला है, 1,80,000 छात्र। तो अगर आपके मार्क्स कम भी हैं, 180-170 भी है ना, तब भी आप लोग तैयारी करते रहो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा और मेरिट आपकी कम लगेगी, तो हो सकता है आपका नंबर कम नंबरों में भी आपका सिलेक्शन हो जाए, कट ऑफ में आपका नाम आ जाए। तो कम से कम फिजिकल की तैयारी तो रखो, कहीं ऐसा ना हो कि कट ऑफ में नाम आ गया और आप फिजिकल कंप्लीट ना कर पाओ, या आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई एरर हो तो वो आप सही करा लो। मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई और अपडेट अगर आपकी भर्ती से रिलेटेड आएगी तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ मैं वीडियो बाद में बनाता हूँ, पहले वहाँ जो भी न्यूज़ मुझे मिलती हैं, करंट अफेयर्स वगैरह, करंट इवेंट वगैरह, वहाँ मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। अगर आप कमेंट में नहीं पूछना चाहते तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।